इरादे हमारे प्रशंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम प्रशंसक नहीं है। सच है इरादे हमारे प्रशंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हम है, लेकिन सुन ले दुनिया, हम अहिंसक हैं, नपुंसक नहीं है। पैरों का धमक भयंकर था, कल्पना करिए हाथी चलता होगा तो धरती में कंपन कैसे आती होगी। वो भी राम प्रसाद की धमक 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 धमक, पैरों का धमक भयंकर था। राम प्रसाद रणभूमि में बन गया आज प्रलयंकर था। जैसे ही लहराया साकल सलन सलन जोर गूंज गया, आते ही चपेट में दुश्मन पलक झपकते जूझ गया। अपने दुश्मन को बिन उत्तर का सवाल वह देता था, गर्दन पकड़ मलेच्छों को नभ में उछाल वह देता था। हाहाकार मचा ऐसा कि त्राहि मान भी बोल गया, भागो प्राण बचाओ, गज ने मृत्यु पंजिका खोल दिया। जो पड़ा सामने राम प्रसाद के, जो पड़ा सामने राम प्रसाद के, कोने में उसे सहेज किया। अली बोलने से पहले अल्लाह के पास ही भेज दिया। अति मृदुल मनोहर अलका हवली कुंचित पश हमल रमणी रम्य अलि वृंद मनहु मधुपान हेतु कमलानन पर हो रहे धन्य सुचितांति युक्त कमनीय रुचिर पापी द्वय भ्रकुटी ग्रस्त रंग विचतिलक रेख शोभित महनो धनु बाण चढ़ाए है अनंग उत्तम उदात्त उन्नत ललाट भर गया मुस्कुराते हुए दूसरा दे गए। उतरा दे गए क्या बताए वो कब हमको क्या दे गए। हमारे जिले के उपाध्यक्ष रवि द्विवेदी जी और जिले के मीडिया प्रभारी विवेक सिंह जी, आपको कोई जमीन की प्रॉब्लम है तो महसूस जाते हो, आपको डेवलपमेंट काम के लिए आप ब्लॉक में जाने का काम करते हो, आपको बैंक का काम है तो बैंक में आप जाने का काम करते हो, बिजली की प्रॉब्लम है पावर हाउस पे जाने का काम करते हो। ये सारी चीजों की जो सुविधाएं हैं भारत के संविधान के तहत है, तो भारत के संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार है। जितने लोग यहाँ बैठे ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों के पास भारत के संविधान की कॉपी है, यानी वो भारत का संविधान है, कितने लोगों के पास चले एक बार हाथ हाथ। जिसका नाम अटल प्रतिमा, जिस दिन बच्चे तालाब पर स्थापित हुई थी, इस बाजार का नाम अटल बाजार कर दिया गया था। आज इस अटल बाजार पर अखिल भारतीय कर सम्मेलन का आयोजन स्वदेशी व क्षेत्र की बहुत से लोगों की मनोकामनाएं थी, तो हमने यह संकल्प लिया कि यह कार्यक्रम खोल दिया जाए। रोज करीब 3 दिन से मौसम बहुत ही ठंड रह रहा था, इसलिए टेंट वालों ने कहा कि यहाँ पर पेपर भैया लगाने की जरूरत नहीं है, भी लग पाना संभव नहीं था, बहुत ही दिक्कतें आई, लेकिन दिक्कतों को आपस में समावेश बनाकर और अटल जी की मूर्ति का स्थापना हुई। अटल जी की लैंड बहुत मुझे बहुत पसंद है, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगना वो कुछ भी, वो कुछ पर भी हार नहीं मानूंगा। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के दुआओं से मैं जो भी जिम्मेदारी मिली है उन जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाया हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, एक सफल संदेश देने के लिए आप सभी लोगों के हृदय के गहराइयों से आभार। हमारे जितने भी प्रदेश से कविगण आए हैं,
आप सभी लोगों के चरणों में नमन व वंदन करता हूँ। हमारी कवित्री भी आई हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार।